हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्मिट रिएक्शन को। अब स्मिट रिएक्शन क्या होती है और इसमें हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनो। देखिए, हम कार्बोऑक्सिलिक एसिड लेंगे और उसकी रिएक्शन हाइड्राजोइक एसिड से कराएंगे और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की यहां पर प्रेजेंस रहेगी, जिससे हमें प्राइमरी एमीन ऑब्टेंड होगा, प्राइमरी एमीन प्राप्त होगा और हम इस रिएक्शन को स्मिट रिएक्शन कहेंगे। तो आइए फिर देखते हैं इसकी रिएक्शन और शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, RCOOH ये कौन है? ये आपका कार्बोऑक्सिलिक एसिड है और मोनो कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसमें केवल एक COOH ग्रुप है, क्लियर। और हाइड्राजोइक का फॉर्मूला क्या होता है? N3H। किसका फॉर्मूला है? हाइड्राजोइक का। और हम इसको हाइड्रोजन एजाइड भी कह सकते हैं या हम इसको एजोइमाइड के नाम से भी जानते हैं। और इस रिएक्शन में जो आपको प्रेजेंस रखनी है वो किसकी है? कंसंट्रेट H2SO4 की। किसकी है? H2SO4 की इस रिएक्शन में प्रेजेंस है। देखो, ये जो रिएक्शन होगी उसमें कार्बोऑक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है COOH, ये भाग लेगा। मैंने क्या बताया कि इस रिएक्शन में कार्बोऑक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है COOH, ये पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो, आपको किस तरह से ये रिएक्शन याद रखनी है उसे समझिए। देखो, यहां पर आपके पास कितने नाइट्रोजन है? 3 नाइट्रोजन है और 1 हाइड्रोजन। तो यहां से आप ना N2 के रूप में डाई नाइट्रोजन के रूप में निकाल दो, 2 नाइट्रोजन को निकाल दिया। अब बताओ यहां पर क्या बचा? यहां पर आपके पास बचा है NH, क्लियर। अब तुम देखो, यहां से हम क्या करेंगे, COO है ना, इसको निकाल देंगे। तो ये काय के रूप में निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो कुल मिलाकर बात ये समझ में आई कि यहां से आप याद रखो इस तरह से, यहां से आप N2 निकाल दो तो यहां पर NH बचेगा और यहां से आप क्या करो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दो। अब बताइए, यहां पर R बचा और यहां पर H बचा और यहां पर कौन बचा? NH। अब इस H को इसके साथ अगर मैं मिला दूं तो बताओ क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा। और इस NH2 को इस R के साथ मैं मिला दूं तो बताओ क्या बन जाएगी? यही तो होगी आपकी प्राइमरी एमीन। इसे लिख दीजिए यहां पर RNH2 और ये बनी आपकी प्राइमरी एमीन और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं स्मिट रिएक्शन। बताइए, समझ में आई? चलिए इसे नोट करो। अब इसका हम एग्जांपल लेकर समझते हैं। अब देखो, एग्जांपल आप कैसे याद करोगे, तो ध्यान से समझो उसे। हम जो है R के स्थान पर क्या ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं CH3। तो CH3 COOH, इसका जो कॉमन नेम होगा एसिटिक एसिड होगा और IUPAC नेम होगा इथेनोइक एसिड। सब काम आपको वही करने हैं जैसे मैंने अभी समझाया। जहां पर R है वहां पर कौन आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, क्लियर। ये क्या बन गया? CH3NH2। देखिए, इसका जो कॉमन नेम होता है वो मिथाइल एमीन होता है और IUPAC नेम होता है मिथिनेमीन, क्लियर। तो बताइए, एसिटिक एसिड से आपने क्या बनाया? मिथाइल एमीन को बनाया। अगर आपसे कन्वर्जन में पूछ लेता है एसिटिक एसिड से आप मिथाइल एमीन को कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो आप इस रिएक्शन की हेल्प से अपने इस कन्वर्जन को कर सकते हैं। चलिए इसे नोट करो। देखिए, आप यहां पर बेंजोइक एसिड भी ले सकते हो, मतलब एरोमेटिक कार्बोऑक्सिलिक एसिड भी लोगे। तो जब भी रिएक्शन ऐसी होगी, देखिए आप क्या करो। देखो, मैंने यहां पर CH3 लगाया था, अब CH3 हटा दो आप और क्या लिखो, C6H5, क्लियर। अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं ऐसे लिख लीजिए, और नहीं तो आप रिंग के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो, रिंग बनाओ, बेंजिंग रिंग, क्लियर। और यहां पर COOH लगा दो, रिएक्शन सेम होनी है, क्लियर। जहां पर CH3 है वहां पर आप क्या लिख दोगे? C6H5 लिख दोगे, क्लियर। बताइए, समझ में आ रही बात? अगर रिंग के रूप में इसे भी लिखना चाह रहे हैं तो लीजिए, आप बेंजिंग रिंग बनाइए
और इस पर लगा दीजिए क्या, NH2 ग्रुप, तो ये ऑप्टेंट हो गया। अब इनके नाम जान लेते हैं पहले। देखिए इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड, या हम इसे बेंजीन कार्बोऑक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं, या हम इसे कार्बोऑक्सी बेंजीन भी कहते हैं। अब एक नेम और याद रख लो तुम, देखो ये है फिनाइल, ये फिनाइल है और ये क्या बना, मीथेनोइक एसिड, तो हम इसे फिनाइल मीथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। क्लियर, बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं, बेंजीन कार्बोऑक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं, कार्बोऑक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं और फिनाइल मीथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। अच्छा अब इससे क्या बना, देखिए ये होती है आपकी एनिलीन, क्या है ये एनिलीन, और हम इसे बेंजीन एमीन भी कह सकते हैं, हम इसको एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं। क्लियर, क्या कह सकते हैं, हम इसको एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं। और देखो ये कौन है फिनाइल और ये कौन एमीन, तो हम इसे फिनाइल एमीन भी कह सकते हैं, एनिलीन भी कह सकते हैं, बेंजीन एमीन भी कह सकते हैं, एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं और फिनाइल एमीन भी कह सकते हैं। तो जो ये मैं नेम आपको एस्टर बताता हूं, ये भी आप नोट कर लीजिए, आपके नॉलेज के लिए अच्छे रहेंगे। तो ये थी आज हमारी श्मिट रिएक्शन। इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा कि हम कार्बोऑक्सिलिक एसिड से प्राइमरी एमीन कैसे बनाते हैं, और यहां पर हमने दो एग्जांपल लिए, एक एसिटिक एसिड से लिया और एसिटिक एसिड से हमने क्या बनाया, मिथाइल एमीन को बनाया, और दूसरा एग्जांपल हमने लिया बेंजोइक एसिड का, जिससे हमें क्या ऑब्टेन हुई, एनिलीन ऑब्टेन हुई। तो इस तरह से आपको नेम रिएक्शन तैयार हुई और आपको साथ में दो कन्वर्जन भी तैयार हो गई। अगर आपसे पूछता है कि भाई आप जो है एसिटिक एसिड से मिथाइल एमीन को बनाइए, तो आप इस रिएक्शन की हेल्प ले सकते हैं, या आपसे पूछता है कि बेंजोइक एसिड से एनिलीन को ऑब्टेंड करो, एनिलीन को प्राप्त करो, तो भी आप इस रिएक्शन की हेल्प ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और एक प्यारा सा सुंदर सा अच्छा सा नोट्स बनाते रहें और बहुत मेहनत से पढ़ाई करते रहें, अपना अपने घर वालों का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करते रहें। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।